उसके लिए सजा मुकर्रर की जाती है। आइए मैं बता दूं कि पवन जी गीत गा रहे थे, मैं ध्यान से सुना, इस गीत का कोई मतलब था, बढ़िया लगा, लेकिन ऐसे ही स्टेज में बहुत सारे गीत आए पवन जी जिसका कोई मायने मतलब नहीं, लेकिन गीत हिट हुआ। एक गीत आया था जिसमें अभिनेत्री कह रही थी कि मेरे घोड़े घोड़े गाल मैं क्या करूं, अब ये पवन जी बताएंगे क्या करूं, किराए पर दे दो। एक और गीत बड़ा हिट हुआ कि मेरी नीली नीली आंखें मैं क्या करूं, हमने कहा छोड़ लो। एक और गीत बड़ा हिट हुआ था पवन जी, कांटा लगा चप्पल पहन कर क्यों नहीं गई थी, क्यों नहीं गई थी भाई भाई। एक और गीत बड़ा हिट हुआ कि पर्वतों से आज मैं टकरा गया, अंधे थे कैसे टकरा गया। एक और गीत बड़ा हिट हुआ था कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, अपने भाई की बेकरारी है तो जाके उस पार मिला, वो इस पार नहीं आएगा, उस पर 10-20 हजार का उधार है। एक और गीत बड़ा हिट हुआ जिसमें माधुरी दीक्षित चार चार जम करके गा रही थी कि मेरा मेरा घर आया हो रहा हूँ, सबका पिया पिया ही घर आता है ना, किसका पिया पड़ोस में जाता है। हाँ ज्यादा पिया होगा तो कोई गारंटी नहीं कहीं भी जा सकता है। एक और गीत बड़ा हिट हुआ था कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, जब छत पे बहनोई सोया था तो गई गई क्यों क्यों गई वहां और कुछ उल्टा सीधा हुआ तो राणा जी बता फंसा रही है भाई। एक और गीत बड़ा हिट हुआ कि मुन्नी बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई बड़ा हिट हुआ था, उसके पहले बता दूं जैसे ही मैं बोल रहा था एक कार्यक्रम में एक 10-12 साल का लड़का खड़ा हो गया और हमसे कहा अंकल चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं, मैं गाते गाते चुप हो जाता हूं, क्या यही प्यार है। हमने कहा नहीं बेटा ये कमजोरी का लक्षण, अभी शुरुआती दौर है, इलाज करा लो ठीक हो जाओगे। तब तक एक लड़का खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुन्नी बदनाम हुई, हमने कहा बेटा बेटा ये तुम कह सकते हो कि मुन्नी बदनाम हुई, मेरे जैसे आदमी को कहना होगा तो ये कहेगा कि हसरते नीलाम न होने देंगे, अरे दिल की दुनिया में शाम न होने देंगे, उल्फत के सारे इल्जाम अपने सर से ले लेंगे, पर मुन्नी तुझे कभी बदनाम न होना होगा।